नमस्कार दोस्तों, एलिमेंट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं जिगबी के बारे में। ठीक है, जिगबी इन वायरलेस सेंसर नेटवर्क, इसको शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपको वायरलेस सेंसर नेटवर्क सब्जेक्ट की और भी वीडियोज़ देखनी है तो आप चैनल पर प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं, वहाँ पर आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। ठीक है, और इससे प्रीवियस वीडियोज़ भी देख लीजिए, क्योंकि सारी की सारी जो वायरलेस सेंसर नेटवर्क है ना, वो एक दूसरे के ऊपर बेस्ड है, एक सीरियल वाइज चलता है कि पहले आपको ये समझना पड़ेगा, फिर वो समझना पड़ेगा, तो वो अच्छे से समझ में आ जाता है। आप तो देख सकते हैं आप प्रीवियस वीडियोस को। ठीक है, बाकी इसमें तो आपको समझाऊंगा ही मैं। तो जिगबी इज अ वायरलेस नेटवर्किंग स्टैंडर्ड। तो ये क्या, वायरलेस नेटवर्किंग का एक स्टैंडर्ड है दैट इज बेस्ड ऑन IEEE 802.15.4 स्टैंडर्ड। ठीक है, वो किसके ऊपर बेस्ड है, आधार क्या है इसका, IEEE की फुल फॉर्म क्या है, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स। और 802.15.4 स्टैंडर्ड की बात मैं पिछली ही वीडियो में कर चुका हूँ, जिसके ऊपर ये बेस्ड है। ठीक है, वो एक स्टैंडर्ड था, ये उसका एडवांस्ड वर्जन है जिसमें कुछ एडिशनल फीचर्स हैं। ठीक है, तो फॉर वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क, ये भी वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क्स के लिए यूज़ होता है स्टैंडर्ड भी। इट इज़ डिजाइन फॉर लो रेट, ये भी डिज़ाइन किया गया लो रेट के लिए, लो पावर के लिए, शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन के लिए बिटवीन डिवाइसेज दैट आर इन क्लोज अप्रोक्सीमेटी टू ईच अदर। ठीक है, जो कि एक दूसरे के निकट होते हैं। प्रोक्सीमेटी का मतलब क्या था, निकट। जिगबी इज वाइडली यूज इन वायरलेस सेंसर नेटवर्क, जिगबी अपना वायरलेस सेंसर नेटवर्क में यूज़ होता है। द कोस्ट इंटरनेट ऑफ थिंग्स में यूज़ होता है, एज इट प्रोवाइड्स अ रिलायबल एंड लो कॉस्ट सोल्यूशन फॉर वायरलेस कम्युनिकेशन कंट्रोल, क्योंकि ये भरोसेमंद और लो कॉस्ट सोल्यूशन प्रोवाइड करता है। इट इज़ पर्टिकुलरली वेल सुटेड फॉर एप्लीकेशन दैट रिक्वायर्स लॉन्ग बैटरी लाइफ। ये ज़्यादातर किस एप्लीकेशन के लिए यूज़ होता है, जहाँ पर हमें लॉन्ग ज़्यादा बैटरी लाइफ की जरूरत पड़ती है, लो कॉस्ट होता है, सिंपलिसिटी होती है अपने डिवाइस में, डिज़ाइन में। ठीक है, सच एज स्मार्ट होम्स। स्मार्ट होम्स की अगर हम बात करें तो आजकल क्या हो गए हैं कि ऐसे लाइट्स, पंखे और भी डिवाइसेस आ गए, फ्रिजेस आ गए, फ्रिज, एसी, सब एक दूसरे से क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, वो एक जिगबी नेटवर्क के थ्रू ही कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, जो कि शॉर्ट रेंज है, लो रेट है, लो पावर अपना नेटवर्किंग है। ठीक है, बिल्डिंग ऑटोमेशन, ऑटोमेट करने के लिए चीज़ों को, एंड इंडस्ट्रियल कंट्रोल, इंडस्ट्रीज में इसका यूज़ होता है। ठीक है, तो ये इसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं। ZigBee defines several different network topologies. ZigBee की क्या होती है, different different network topology. Topology का मतलब क्या होता है कि एक network किस तरीके से connect हो सकता है। Topologies की बात मैं पहले ही एक video lecture में कर चुका हूँ, तो आप देख सकते हैं। जैसे star topology होती है, tree topology होती है, mesh topology होती है, तो ये different different type की चार topology होती है अपनी। ठीक है, which allow it to be used a variety of application network architecture, जो इसको allow करती है, permission देती है कि बहुत सारी applications इसका यूज़ कर सकते हैं, network architecture में इसका हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो डिफाइन सेवरल डिफरेंट डिवाइस टाइप्स इंक्लूडिंग कोऑर्डिनेटर्स, राउटर्स एंड एंड डिवाइसेस। ये क्या करती है, बहुत सारे जो डिवाइस हैं उसको डिफाइन करती है, उसके बारे में बताती है, जिसमें इंक्लूडिंग कोऑर्डिनेटर्स भी हो सकते हैं। कोऑर्डिनेटर होते हैं ना, जैसे कोई इवेंट्स वगैरह कोऑर्डिनेट करते हैं, संचालक कहते हैं जिसको हम। राउटर्स होते हैं अपने, एंड डिवाइसेस होते हैं। ठीक है, विच हैव डिफरेंट कैपेबिलिटीज रोल इन द नेटवर्क, जिसका क्या है, एक नेटवर्क के अंदर अपना अपना अलग अलग क्षमताएं हैं, अलग अलग रोल है उसका। ठीक है, तो ये अपना जिगबी था। ओवरऑल जिगबी इज़ अ पॉपुलर एंड वाइडली अडोप्टेड स्टैंडर्ड फॉर लो रेट वायरलेस कम्युनिकेशन। तो अगर हम ओवरऑल बात करें तो जिगबी क्या एक पॉपुलर है, बहुत प्रसिद्ध और वाइडली यूज होने वाला स्टैंडर्ड है लो रेट वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए। एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड टू प्ले अ की रोल इन डेवलपमेंट ऑफ द इंटरनेट ऑफ थिंग्स, और इंटरनेट ऑफ थिंग्स के डेवलपमेंट में भी इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। एंड द वाइडर अडोप्शन ऑफ कनेक्टेड सिस्टम्स, और ये जो कनेक्टेड सिस्टम्स है हमारे एक दूसरे, जैसे हमने स्मार्ट होम्स की बात करी, तो वाइडर अडोप्शन होता है इसमें। ठीक है, अडोप्ट कर लेता है जल्दी चीज़ों में। ओके, तो ये अपना जिगबी का टॉपिक यहाँ पर समाप्त हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया, अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं। तो पढ़िए और पढ़ाइए, अपने दोस्तों शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि उनकी बेहतर हो सके। अगर आप शेयर कर रहे हैं तो आप उनको पढ़ा रहे हैं, मैं नहीं पढ़ा रहा, आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा सकते हैं, ताकि लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। ठीक है, और अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप नोट्स एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट को आप एक्सेस कर सकते हैं, मैंने बताई दिया चैनल से, वीडियोज़ को आप सभी को वीडियोज़ को एक्सेस कर सकते हैं वहाँ से। ठीक है, तो ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच अगेन।